नमस्कार। मैं पिछले 8-10 सालों से गल्फ में घूमकर अलग अलग देशों में काम करता हूँ। मैं अपनी अनुभव से वीडियो बनाता हूँ जिससे नए लोगों को काम में आसानी हो। पिछले 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि गल्फ आने में बहुत सैलरी कम हो गया है। पहले जो आदमी 2500 3000 रियाल या दरहम में काम करके गया है या कुवैत में 200 केडी में जो काम करके गया है, उसी काम में 200 केडी के जगह पे अब 170 केडी सैलरी आ रहा है। एक्सपीरियंस वाला आदमी का भी वही हाल हो गया है, सैलरी बहुत कम आ रहा है। काम वही है, पहले उससे ज़्यादा सैलरी में काम करके जा चुका है बंदा, फिर इस टाइम बहुत सैलरी कम आ रहा है। यह सऊदी का भी देखिए, वही है, वही हर एक इंटरव्यू में जाइए। पहले जिस काम में आदमी 2500 रियाल सऊदी रियाल में काम करके गया है, उसी काम में 1800 से 2000 रियाल सैलरी आ रहा है। ये 6-7 महीने से ऐसा हो गया है। और इंटरव्यू देने जाइए, मैं पिछले दिन इंटरव्यू देने गया था, देखा जहाँ 10-15 आदमी का वैकेंसी है वहाँ 300-400 आदमी का लाइन लगा हुआ है। इसलिए क्लाइंट देखकर सैलरी कम किया है। ऐसे हर एक कंपनी का ऐसे ही जा रहा है। तो आप अभी आ रहे हैं तो थोड़ा सैलरी कम ही मिलेगा, इसलिए कि बहुत हालात ख़राब चल रहा है किसी भी कंपनी का। ये नहीं कि ये कंपनी वो कंपनी, हर एक कंपनी में पहले आप काम करके जा चुके हैं 3000 रियाल पे, वही काम अभी जा रहा है वांट, तो उसी कंपनी में 2022 से 2024 आ रहा है। आप 1600 रियाल पर काम करके जा चुके हैं, उसी काम में आज 1200 1100 सैलरी आ रहा है और आदमी मिल रहा है। अब उस कंपनी को उतने में ही आदमी मिल रहा है तो कैसे सैलरी बढ़ाएगा, उतने में ही ला रहा है। तो यही हालात चल रहा है आजकल के इंटरव्यू में। सैलरी का बहुत आदमी पूछ रहे थे तो मैं बता दिया, मैं भी देखा यही चल रहा है। अभी थोड़ा हालात ठीक नहीं है सैलरी का, तो आपका मर्ज़ी, अभी आए तो आ सकते हैं, नहीं तो वेट करके आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा, चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।